सो हेलो गाइस, विवेक हियर एंड आज हम बात करेंगे द कोचबिहार डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, क्या उसमें डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हो सकती है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, क्या चारा है। या फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं कभी भी मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ। इसमें द HOD ऑफ क्या बोलता है ECE डिपार्टमेंट ऑफ कोचबिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ने मुझे पर्सनली इसे मेल किया है और उसे बताने को आप लोगों को बताया है। तो गाइस, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, इसका नाम है आनंद दास जो HOD है कोचबिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने मुझे पर्सनली ये आप लोगों को बताने बोला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक और मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो भी कॉलेजेस के रिलेटेड या फिर वेबजी के रिलेटेड होता है, मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो चलिए गाइस, क्या आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। साथ में आप चाहो तो बेल आइकन को दबाकर मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स ले सकते हो, जो पूरा ही पूरा फ्री है, मतलब मुफ्त। और साथ में चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कि आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो टोटली सभी कुछ फ्री है, तो फिर भी आप शर्माते हो, पता नहीं क्यों। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, और जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो मेरे पीछे आपको दिख रही है, इतनी ही सुंदर कॉलेज है और बर्फीले इलाके के सामने है, जो इस कॉलेज को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। पर गाइस, आज तो दुखी की बात है कि इसमें डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि आनंद दास ने यही लिखा है कि भैया डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग मेरे कॉलेज में नहीं होने वाली। इसका कारण ये है कि मेरे सारे सीट्स फुल हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने कॉलेज शुरू भी कर दिया है, और जिसके कारण ये और नहीं होगा। तो ये बहुत ही दुखी की बात है और इसके लिए हम लोग काफ़ी तो चलिए कोई बात नहीं, क्या जाता है, इतने सारे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर्म निकले हुए हैं, तो जलपाईगुड़ी वाला भर दीजिए और साथ में जितने भी मिलते हैं उसे भर दीजिए, क्या पता किसी में भी आपका निकल जाए। और गाइज, एक क्वेरी और भी हम क्लियर कर देते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस की कट ऑफ जो निकली है, वो निकली है कि ऊपर काफ़ी हाई जा चुकी है। पर गाइज, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, इसका कारण ये है कि उनकी एडमिशन पहले ही हो चुकी है। और जब ये कॉलेज को देखेंगे, सिरेमिक टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी की प्लेसमेंट्स ना के बराबर होती है, तब वो क्या करेंगे कि वो अपनी कॉलेज में ही शिफ्ट रहेंगे, जिनके कारण आपकी चांसेस भी बन सकती है, आप उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज, कभी भी कट ऑफ से डरिएगा मत और चिंता मत कीजिएगा। और हाई जाने का कारण ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी है, जिनके कारण काफ़ी माँ बाप ने फोर्स करके बच्चों से वो फॉर्म भरवा दिया है, और ये टोटली फ्री था, तो इसके कारण काफ़ी बच्चे भर दिए हैं। पर गाइस, बहुत ही बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, तो इससे भी आपके चांसेस बनते हैं कि पहला राउंड में नहीं तो 2-3 काउंसलिंग के डेट्स में आपको बुलाया जाएगा, जिससे कि आपकी एडमिशन फिक्स हो सकती है। तो पूरा क्वेरीज मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर गाइज आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो को मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं कल लाइव आऊँगा, तो कल लाइव आएंगे तो फिर सभी कुछ क्वेरीज आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, कल लाइव के लिए तैयार रहिएगा। कल लाइव मैं आऊँगा अराउंड दोपहर को 11 बजे, मतलब सवेरे के टाइम पर 11-12 बजे के करीब मैं लाइव आऊँगा। तो चलिए, वीडियो को सभी तक अभी समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पर क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो प्लीज़ लाल वाले बटन को प्रेस करके कर दो, भाई फ्री है, क्या हो जाता है। और साथ में चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में लाइक फॉलो कर सकते हो और मुझसे कोई भी क्वेरीज अपनी क्लियर करवा सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या लाइक किया वीडियो को? नहीं, 50 लाइक्स चाहिए मुझको, प्लीज़ कर दो, बाय। सब्सक्राइब करें ट्रिकस्टार विवेक को और साथ में बजाए बेल आइकन की, सारे वीडियो अपडेट्स पहुंचे आपके पास सबसे पहले।